तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक्सेट्रा वाली सारी प्रॉब्लम्स कर ली थी, ठीक है। आज मैं एक नया वर्ड ला रहा हूँ, इम्पल्स। सबसे पहली बात, यहां पे हम इसको लीनियर इम्पल्स कहेंगे। हाँ, दूसरी बात, इसको जे से डिनोट करेंगे, और अगर 1D है तो फिर केवल जी लिख दूंगा। क्यों? ये हो गया, अदरवाइज वेक्टर है, मतलब अगर देखोगे तो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन सेकंड होगी, या केजी मीटर पर सेकंड होगी। अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा ये यूनिट क्यों आ रही है, ठीक है। ये हो गया। अब तुम कहोगे कि है क्या भाई, आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि लीनियर इंपल्स होगा, ये सब होगा, लेकिन है क्या चीज? एक्चुअल में क्या होता है ना कि सर्टेन सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है। कई बार तुम्हें ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए रखता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने गोपी को थप्पड़ मारा, तो मैं कोई ऐसे थोड़ी करता हूँ कि आराम से ऐसे ले जाके मारता हूँ, गोपी तेरे को ये बता जो है, जब मैं तेरे को थप्पड़ मारता हूँ तो बड़ा आराम से थोड़ी मारता हूँ बेटा जो है, तड़ाक से एक मारूंगा। क्यों? इसी टाइप से बैट और बॉल, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, एक्सेट्रा। क्यों उज्ज्वल? फिजिक्स में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, ठीक है। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है, इन दीज सिचुएशंस फोर्स एंड टाइम इंटरवल, इनको सेपरेटली मेजर करना डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू मेजर देम सेपरेटली। समझ में आया इंपल्स वर्ड आया कहां से बेटा? ये होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब फोर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगता है। तो मैंने तुम्हें बताया कि ऐसी सिचुएशंस में फोर्स और कितने टाइम के लिए लगा, उनको अलग अलग मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक। लेकिन उनका प्रोडक्ट, बट देयर प्रोडक्ट उसी को हम लोग इंपल्स कह देते हैं, बस हो गया। मतलब ऐसे समझ लो कि एफ डेल्टा टी, या कई बार एफ डीटी कह लो, या एफ डेल्टा टी, या एफ टी डीटी, कुछ भी कह लो, इसी को हम लोग इंपल्स कहेंगे। और इसको जे से दिखाएंगे, या अगर 1D है तो जे हो गया,
और इसकी जो वैल्यू होगी वो डेल्टा पी के इक्वल होगी बेटा जो है, या डेल्टा पी कह लो, या पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मैं 1D वगैरह सब दिखाता हुआ चल रहा, या पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या एम पूरा ही लिख दे रहा हूँ, एक ही चीज को 10 बार लिख रहा हूँ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या एम इंटू वी और एम बी, इफ वी इनिशियल या वी आई वो 0, बताओ। अब समझ में आई इतनी पूरी कहानी? बताओ उज्ज्वल, एक ही को 10 बार लिख दिया मैंने, एक ही चीज को 10 बार लिखा है, देखा ये बताओ जो है उनका जो प्रोडक्ट है एफ डेल्टा टी या एफ डी टी, उसी को इंपल्स कहेंगे, जो जे वेक्टर या जे से दिखाएंगे, और वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा, ये कह दो। और कैसे होगा वो देख लो, ये बताओ F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी था कि नहीं था बताओ, ले एक ही चीज को 10 बार लिख दिया बेटा, ये ध्यान रखना मैंने एक ही चीज को 10 बार लिख दिया और कुछ नहीं किया, ताकि कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखूं मैं तो तुम इधर उधर ना देखो उसको कि सर ने क्या लिख दिया है। बताओ उज्ज्वल भाई, समझ में आई तेरे बात? नहीं आई कर लिया? कर लिया ना? तो अब जरा देखिए, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता था, तो जरा देखना यहां से जो एफ डी टी होगा यही तो डीपी के इक्वल हो गया बता, और इसी को मैंने इंपल्स कह दिया। अब बता क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब यूनिट देख ले, देख फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो एक यूनिट तो न्यूटन सेकंड हो गई, क्यों न्यूटन सेकंड हो गई, और इधर जरा देख मोमेंटम की यूनिट क्या होगी, एम इंटू वी या कह ले के जी मीटर पर सेकेंड। अब बता यूनिट समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब बता क्लियर हो गया? नहीं बता जो है ये हो गया, एक बार दोबारा सुन ले इसकी बैकग्राउंड क्या है बेटा जो है, इसकी बैकग्राउंड ये है कि जब फोर्स और टाइम को अलग अलग मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मेजर कर सकते हैं एक बार को फिर भी, ठीक, और उनके प्रोडक्ट को हम लोग इंपल्स कह देते हैं, समझ में आ गया, और वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है, सीधे सीधे ये है। अब मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो देखते हुए चलो। वन डी से समझा देता हूँ, वही चीज सब जगह लग जाएगी। हाँ पहली बात, जे इक्वल टू एफ डी टी था, क्यों? ये था ना जे इक्वल टू एफ डी टी। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, देखो अगर फोर्स कांस्टेंट हो
तो फिर जो इंपल्स लगेगा वो सीधे एफ इंटू टी लगेगा, बताओ कोई डाउट? बता गोपी, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इंपल्स सीधे निकलेगा एफ इंटू टी। अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो फिर जो इंपल्स लगेगा मिलेगा वो इंटीग्रेशन एफ डी टी से मिलेगा, कोई डाउट? ये हो गया। और अगर तुम्हें एफ और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, नहीं है, एफ और टी के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तो तुम इंपल्स को कैसे भी निकाल सकते हो, बताओ? जो है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, बता मी का समझ में आया कि नहीं आया? तीन केसेस हो गए कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इंपल्स एफ इंटू टी, अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन से, और अगर ग्राफ दिया हुआ तो एरिया से भी निकाल सकते हो। लेकिन तुम जैसे भी निकालो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है ये, लेकिन होगा तो डेल्टा पी के इक्वल ना, बताओ? तुम किसी भी तरीके से निकालो इंपल्स किसके इक्वल होगा बेटा, जो है डेल्टा पी के इक्वल, या कह लो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, या एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या एम इंटू वी अगर वी इनिशियल जीरो हो। उज्ज्वल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कि तुम किसी भी तरीके से निकालो वो डेल्टा पी के इक्वल होगा, क्यों? अल्टीमेटली डेल्टा पी के इक्वल होगा, ये कह लो। जो है नोट कर लिया, पहले ही बता तुमने, ये नोट कर लिया? उज्ज्वल ठीक, अब चलते हैं दूसरी बात। अब इंपल्स इक्वल टू, इंपल्स या जे कह लो, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, तुम उससे बताना। एक बॉल थी, वो इधर को उसका मोमेंटम मान लो 10 था बेटा, और मैंने इधर ही को इंपल्स लगा दिया इसमें, और मान लो 20 का लगा दिया। इंपल्स मतलब एक तरीके से फोर्स ही है, हाँ ध्यान रखना गोपी, इंपल्स मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो क्या कह सकते हो, हिट करना, मतलब ना एक तरीके से इंपल्स को तू हिट भी कह सकता है, जो है हिट नहीं करते कई बार बेटा, जो है ये कह ले, जो है तो एक तरीके से फोर्स टाइप का ही है। तो ये बताओ इंपल्स मैंने 20 लगा दिया तो बताओ न्यू मोमेंटम कितना हो जाना चाहिए, बताओ इसका? उज्ज्वल हाँ बिल्कुल सही कहा, तो इसका मतलब इसका नया जो मोमेंटम होना चाहिए पी डैस कितना हो जाना चाहिए, 30 हो जाना चाहिए। अब और बताना, अगर मान लो इसका मोमेंटम इधर को 60 था और मैंने इधर को इंपल्स लगा दिया मान लो, और मान लो 40 का लगा दिया, तो अब बताओ तुम्हें नया मोमेंटम कितना लग रहा है, बताओ? लग रहा होगा, अब समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब जो नया मोमेंटम होगा वो पी डैश इक्वल टू 20 होगा, क्यों? एक और बताना, मान लो इसका मोमेंटम इधर को 30 था और मैंने इधर को इंपल्स लगा दिया, और वो 40 का लगा दिया मान लो, तो बताओ नया मोमेंटम कितना होगा? हाँ तो नया मोमेंटम -10 होगा, या मैं उसको ऐसे बना दूं, बताओ ये बताओ,
इसका मतलब इधर को हो जाएगा, क्यों पी डैश इधर को हो जाएगा और वो 10 के इक्वल हो जाएगा। अब कुछ समझ में आ गया क्या है बेटा? इम्पल्स एक तरीके का जर्क है, हिट है, फोर्स है, या फोर्स इनटू टाइम है, कुछ भी कह लो ठीक, और वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, बस ये ध्यान, चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल। ठीक, तीसरी बात, ये बताओ कि एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी, ये तो एक फिजिक्स की इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ फिजिक्स है या नहीं है? तो अगर इंटरवल छोटा नहीं भी हो तब भी हम इसको तो लगा ही सकते हैं ना, क्यों? एक बात बताओ, इवन इफ इंटरवल इज नॉट स्मॉल, इंटरवल इज नॉट स्मॉल, इक्वेशन अप्लाई करने में क्या फर्क है ये बताओ? इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, क्यों? इक्वेशन कैन बी अप्लाइड, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उज्ज्वल समझ में आ गया बेटा जो है? नहीं तो तू कहेगा ना मेरे से कि सर ये तो जो है इसमें तो टाइम इंटरवल छोटा नहीं था, आपने ये क्यों लगा दिया जो है, तो ये इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है? इक्वेशन तो लगा ही सकते हैं, उसमें क्या है? ठीक है, इंपल्स नहीं बोलेंगे और क्या है, नहीं है इंपल्स नहीं बोलेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये है बस, तो एक बार दोबारा सुन लो। सबसे पहली बात, दिमाग में अपने जो लगाना, इंपल्स का मतलब जर्क, हिट, फोर्स, एक्चुअल में फोर्स इंटू टाइम है, समझे ना, एक्चुअल में फोर्स इंटू टाइम है, और डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स, मैंने तुमसे कहा तीन तरीके से तुम इम्पल्स निकाल सकते हो। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो सीधे टाइम से मल्टीप्लाई करो, अगर फोर्स टाइम का फंक्शन है तो इंटीग्रेट करके इम्पल्स निकालो, और अगर फोर्स और टाइम के बीच में एरिया दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया से इम्पल्स निकालो। लेकिन आप किसी भी चीज से इम्पल्स निकालो वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा, ये कह लो ठीक। और एक चीज मैंने और बताई कि इम्पल्स को मैंने तुम्हें फील करवा दिया कि मान लो मोमेंटम 60 था और मैंने उसी डायरेक्शन में 20 का इम्पल्स लगा दिया, तो नया मोमेंटम 80 हो जाएगा। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से शुरू होते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और तुम कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का लगाते हो, पॉजिटिव एक्स में, और मास ऑफ द बॉडी मान लो 2 kg दे रखा है, तो तुमसे वेलोसिटी है 2 सेकंड पूछा हुआ है, एक बात बताओ यहां पे जो इंपल्स होगा वो सीधे सीधे एफ इंटू टी लिख दूं? उज्ज्वल बताओ बेटा, सीधे सीधे एफ इंटू टी लिख दूं और इसको मैं एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख दूं? अब वैल्यू रख दो बस, हो गया, क्यों? सिंपल एग्जांपल से कर रहे हैं, ये हो गया 10,
ये हो गया टू, क्यों? ये भी हो गया टू। बी फाइनल तेरे को निकालना है, और बी इनिशियल कितना दिया हुआ है? माइनस टू, क्यों? माइनस टू, तो यहां से बी फाइनल निकालना। मी का समझ में आ रहा है बेटा? सिंपल है और कुछ नहीं है ये। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल। अगेन एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है और एफ इक्वल टू टू टी दिया हुआ है, और ये पॉजिटिव एक्स में। ठीक, तो तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है एट 4 सेकंड मान लो। फिर से वही करते हैं। हाँ, ये बात सही है। इतने मास मान ले 2 kg दिया हुआ है। अब ये बता कि अब के जो इंपल्स होगा वो मैं इंटीग्रेशन एफ डीटी कर दूं? क्यों उज्ज्वल, बता। अब के जो इंपल्स होगा इंटीग्रेशन एफ डी टी कर दूं, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक। लेकिन अब सीधे इसी को एम भी रख देगा, क्यों? हाँ, इसी को एम भी रख देगा, बिकॉज यू इक्वल टू 0। मे का समझ में आ रहा बेटा? यू 0 है तो ये रख दो बस, हो गया जो है। अब मास तुम्हें रखना है 2 kg, वी तुम्हें निकालना है, और फोर्स तुम रखोगे 2t, क्यों? फोर्स रखोगे 2t, तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन कर लोगे, तो इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करके देखना, तो वी की वैल्यू मेरे ख्याल से 8 m/s आ रही होगी, क्यों? सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी सिंपल भी कर लेने चाहिए ये कैलकुलस पे। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखो। अगेन वही एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन चल रहा है, और यू की वेलोसिटी, यू दे रखी है 4 m/s और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। मास दिया हुआ है 2 kg, और अब के तुम्हें एक ग्राफ दिया हुआ है एफ न्यूटन में और टाइम सेकंड में, ऐसे मान लो। इसको -4, 4, 6, तो तुम्हें वेलोसिटी एट 6 सेकंड निकालनी है। अरे उज्जवल बेटा, का होला है तेरा? अब निकालना तेरे को वेलोसिटी एट 6 सेकंड कितनी होगी। अब ये बताओ कि अब जो इंपल्स होगा वो एरिया से निकाल लें, क्यों उज्ज्वल? बता, अब जो इंपल्स होगा वो एरिया से निकाल लें, और एरिया से हम कैसे निकालेंगे? एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्यों? लेकिन
अब थोड़ा बस ये ध्यान रखना कि ये जो एरिया लोगे ना वो नेगेटिव लोगे बेटा जो है। एरिया को तुम नेगेटिव लोगे, बस ये ध्यान रखना। 16 वो आ गया और 4 वो आ गया, मेरे ख्याल से -20 आ रहा है। क्यों गोपी, एरिया बता, -20 आ रहा है। अच्छा एरिया का वो क्या लिखूं बता, यूनिट क्या लिखूं, एरिया की यूनिट क्या लिखूं बता, जा कोई एक यूनिट बता दे, एरिया की यूनिट क्या लिखूं। हाँ न्यूटन सेकंड। इसका मतलब इसको रख देना -20, एम को रख देना 2, वी फाइनल तुम्हें निकालना है और वी इनिशियल +4 रख देना। क्यों प्लस फोर रख देना, तो यहां से बी फाइनल कितना आ रहा है, उज्जवल -6 कह रहा है, -6 मीटर पर सेकेंड। ये हो तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा सा ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, देखो क्या है। जैसे मान लो ना ए और टी है बेटा जो है, इसका जो एरिया होता है वो डेल्टा वी देता है कि नहीं देता बेटा जो है। एरिया इसका डेल्टा टी देता है ना। अब मैंने क्या किया देख, इसको ना मास से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, एम इंटू ए, इसका मतलब ये एफ बन गया और ये टी हो गया। अब ये बता इसका एरिया क्या दे रहा है, मास से यहां भी मल्टीप्लाई कर देना, एम इंटू डेल्टा वी। समझ में आ रहा है बेटा, एम इंटू डेल्टा वी, तो इसका मतलब ये डेल्टा पी। बता ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा बता जो है। गोपी समझ में आई बेटा बात जो है, कि ए और टी का एरिया तुम्हें डेल्टा वी देता था, तो मैंने वाई एक्सिस को मास से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों वाई एक्सिस को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स बन गया, तो इसका मतलब फोर्स इंटू टाइम, फिर उसका एरिया क्या बन गया होता है, एम इंटू डेल्टा वी, तो इसका मतलब डेल्टा वी हो गया, तो मैं डेल्टा पी, ये आ गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ना एक चीज थी, मेरे को याद नहीं आ रही है अभी, मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन चलो मैं जब याद आएगी तो बताऊंगा। इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा जो है, जब याद आएगा तब बताऊंगा। ठीक है, ये एरिया से ये क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा। एक और एग्जांपल देखो, एक 1 kg की बॉल है, उसको तुम 50 मीटर पर सेकंड से एट 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजेंटल प्रोजेक्ट करते हो। ठीक है, तो तुम्हें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। लेकिन कोई काइनेमेटिक्स यूज नहीं करनी है, काइनेमेटिक समय यूज नहीं करनी। अब मुझे एक बात बताओ, इसको हम लोग आई कैप, इसको जे कैप लेते हैं, तो ये बताओ इस पे जो फोर्स लगेगा इधर को लगेगा ना बेटा, बताओ मैं क्या बता बेटा जो है, जब ये एयर में है तो इस पर 10 न्यूटन का फोर्स नीचे को लगेगा, नहीं लगेगा बेटा जो है, फोर्स 10 न्यूटन का नीचे लगेगा। ठीक, तो अब मेरे को ये बता कि जो फोर्स है इसको मैं -10 जे कैप इतना लिख दूं,
फोर्स को माइनस टेन जे कैप लिख दूं, और जरा बताना ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है बताओ, ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है बेटा बता, जो है कांस्टेंट है इसका मतलब जो इंपल्स होगा वो सीधे एफ इंटू टी कर दूं, बता बताओ, सीधे इंपल्स इक्वल भी ये कर दूं, और इंपल्स का मतलब डेल्टा पी होगा या फिर एम इंटू डेल्टा वी होगा, क्यों उज्ज्वल समझ में आया बेटा जो है ये होगा। अब आंसर फाइंड कर लो, ये निकालना है तुम्हें, मास देर का 1 kg, फोर्स दे रखा है -10 j कैप, और टाइम दिया हुआ है कितना 3 सेकंड, बस हो गया। इसका मतलब डेल्टा वी कितना आ गया बेटा जो है बताओ, डेल्टा वी कितना आ गया -30 j कैप, क्यों ये हो गया। देख ले हो गया उज्ज्वल, अच्छा गोपी तू एक बात बता, डेल्टा वी -30 j कैप आया, इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 30 m/s है, क्यों इसका यही मतलब हो ना, 30 m/s है लेकिन किस डायरेक्शन में, -j कैप डायरेक्शन में, इसका यही तो मतलब होता है। ये कह लेकिन इसको मैं दो अल्टरनेटिव मेथड से भी निकालूंगा जो हम पहले भी करते थे, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। देखो अल्टरनेटिव मेथड 1, ये 50 है, ये 37 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट 30 और ये कंपोनेंट 40, कोई डाउट बता बेटा जो है, ये हो गया। अब ये बता ऊपर वाला कंपोनेंट 30 है, इसका मतलब इन 3 सेकंड ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, क्यों समझ में आया बेटा ये बता जो है, 3 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, तो यहां मान लो कहीं, तो यहां पे ये वाला कंपोनेंट रह जाएगा, बस हो गया, क्यों गोपी ये कंपोनेंट रह जाएगा। अब सुन, हॉरिजेंटल कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आया, नहीं है इस वाले कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो +30 से 0 हो गया, हाँ +30 से 0 आ गया, तो इसका मतलब चेंज कितने का हो गया फिर बता,
अगर प्लस 30 से जीरो हो गया तो चेंज कितने का हो गया बेटा जो है, चेंज माइनस 30 का आ गया, तो वही समझ में आ रहा होगा तेरे, ये है कि वही तो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा जो है। गोपी समझ में आया बेटा जो है, चेंज कितने का हो गया, माइनस 30 का हो गया। सो अब अल्टरनेटिव मेथड टू भी देख लेते हैं। ये बता कि जो एक्सेलेरेशन है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस 10 जे कैप है ना, पता नहीं, थोड़ा सा मैं वो कर गया, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, हाँ थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ बेटा जो है। ये बताओ कि जो एक्सीलरेशन है माइनस 10 जे कैप, ये कांस्टेंट है या नहीं है उज्जवल? ये बता जो एक्सीलरेशन माइनस 10 जे कैप है वो कांस्टेंट है कि नहीं, बता जो है कांस्टेंट है। और मैंने कभी तुम्हें एक चीज बता रखी होगी कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू फिर उसी कांस्टेंट के इक्वल आती है, बताइए कि नहीं बताइए, बताओ जो एवरेज वैल्यू उसी कांस्टेंट के इक्वल आती है, तो इसका मतलब जो एवरेज एक्सीलरेशन होगा कोई सा भी इंटरवल हो, ठीक है ना, कोई सा भी इंटरवल हो वो भी कितने के इक्वल होगा, माइनस 10 जे कैप के इक्वल होगा। और एवरेज एक्सीलरेशन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, क्यों गोपी समझ में आ रहा है बेटा जो है, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, और डेल्टा टी मुझे यहां पे 3 सेकंड दिया हुआ है, तो जरा देखना यहां से डेल्टा वी भी कितना आ गया, वही माइनस 30 जे कैप आ गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब किसी भी इंटरवल में, ठीक है ना, किसी भी इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन उसी के इक्वल होगा, और एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ही हमारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, तो वहां से डेल्टा वी निकाल लो। तो इंपल्स में अभी इतना काफी है, ये हो गया इंपल्स। अब चलते हैं कोलिजन। उज्जवल नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग कोलिजन। एक्चुअल में कोलिजन को ना हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं बेटा, एक होता है इलास्टिक, और एक होता है इनइलास्टिक। एक तो क्लासिफिकेशन ये हो गया, ठीक है, और एक क्लासिफिकेशन होता है हेड ऑन, और एक होता है ऑब्लिक। दो क्लासिफिकेशन समझ में आ गए, बताओ पहले बताओ, इलास्टिक इनइलास्टिक, हेड ऑन और ऑब्लिक। अब सबसे पहले चलते हैं इलास्टिक में। इलास्टिक में क्या होता है ना, सिस्टम की मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती हैं। समझ में आया, इलास्टिक कोलिजन हम उसे कहते हैं जिसमें सिस्टम का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दोनों की दोनों क्या रहती है बेटा जो है, कंजर्व रहती है, ठीक। दूसरी बात,
इनइलास्टिक में, केवल मोमेंटम कंजर्व होता है, बस ओनली पी कंजर्व। वो भी समझ में आई बात, इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम दोनों कंजर्व रहेगी, इन इलास्टिक में केवल क्या कंजर्व रहेगा, मोमेंटम। तीसरी बात, एक वर्ड होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आगे से मैं इसको ना पीआईसी बोल दूंगा बिकॉज ये बहुत रिपीट होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें क्या होता है कि बॉडीज ना स्टिक कर जाती हैं आफ्टर कोलिजन, मतलब इन इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस है, ध्यान रखना बेटा, जो है स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। और इसमें मैंने तुमसे कहा कि आफ्टर कोलिजन बॉडीज स्टिक, और एक बात बताओ कि जब वो स्टिक कर जाएंगे तो फिर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। गोपी ये बता, अगर स्टिक कर गई, सारी बॉडी स्टिक कर गई, तो फिर वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। एंड देन मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी, विद ए कॉमन वेलोसिटी। समझ में आ गया, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस है जिसमें कोलिजन के बाद बॉडीज स्टिक कर जाती हैं और फिर वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करती हैं। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अब चलते हैं हेड ऑन, हेड ऑन तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि बिल्कुल ऐसे हो गया, बस हो गया। ये कह लो ना, क्यों हेड ऑन तो बिल्कुल इस टाइप से हो गया। और फिफ्थ ऑब्लिक भी तुम्हें वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, थोड़ा साइड से हो गया, क्यों बताओ उज्ज्वल, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा ना तेरे को। ठीक है, अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कहते हैं। अगर मान लो दो स्फेरिकल बॉडीज लेता हूं बेटा, मैं ध्यान से देखना, जैसे मान लो ये दो बॉडीज स्टिक कर रही हैं, तो इसमें ना हम आगे चल के दो डायरेक्शंस डिफाइन करेंगे बेटा। एक तो ये हो गया सी टी, कॉमन टेंजेंट, और एक मैं ये वाली डायरेक्शन डिफाइन कर दूंगा, इसको सी एन कह दूंगा मैं, तो ये कॉमन नॉर्मल हो गई। अब मुझे ये बताओ कि कोलिजन से पहले अगर दोनों वेलोसिटीज सीएन के अलोंग हो तो उसको हेड ऑन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ। अगर कोलिजन से पहले दोनों वेलोसिटीज सीएन के अलोंग हो तो उसको हेड ऑन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताओ जो है, ठीक। तो बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, इफ
बोथ फिलोसिटीज आर अलोंग सीएन। तो फिर इसको हम बोल देते हैं हेड ऑन। और अगर एटलीस्ट एक वेलोसिटी कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो फिर उसको ऑब्लिक कह देंगे। क्यों नहीं होता? तो एटलीस्ट एक वेलोसिटी अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो उसको ऑब्लिक कह देंगे कि नहीं कह देंगे, बताओ। जो है तुम कह सकते हो एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन वेलोसिटी नॉट अलोंग सी एन। उसको हम बोल देते हैं ऑब्लिक को। अब एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। कोलिजन को मैंने दो टाइप से क्लासिफाई किया, इलास्टिक इन इलास्टिक, हेड ऑन ऑब्लिक। इलास्टिक में सिस्टम की मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, इन इलास्टिक में केवल मोमेंटम कंजर्व होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस है जिसमें कोलिजन के बाद बॉडीज क्या करती हैं, स्टिक कर जाती हैं और फिर एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करती हैं। और हेड ऑन का मतलब क्या है कि कोलिजन से पहले दोनों वेलोसिटीज सीएन के अलोंग होनी चाहिए, कॉमन नॉर्मल के अलोंग होनी चाहिए। और ऑब्लिक में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक वेलोसिटी किसी डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसको हम ऑब्लिक कह देंगे। अब बताओ कोई डाउट है इसमें? मीका बता बेटा, जो है कोई भी डाउट है? इलास्टिक किसे कहेंगे, इन इलास्टिक किसे कहेंगे, हेड ऑन किसे कहेंगे, ऑब्लिक किसे कहेंगे और परफेक्टली इन इलास्टिक किसे कहेंगे, पांच चीजें होंगी, ठीक है। अब लेकिन एक नोट पॉइंट है, वो सुन लो क्या है। एक बात बताओ कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है वो हर टाइप के कोलिजन में कांस्टेंट रहेगा, बताओ जो है। कैसा भी हो इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, परफेक्टली इन इलास्टिक हो, हेड ऑन हो, ऑब्लिक हो, किसी भी टाइप का, उसमें वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब समेशन ऑफ मोमेंटम। अब के मैं इसको ऐसे कह दे रहा हूं, बिफोर कोलिजन, ये बिफोर क्राइस्ट नहीं है, ध्यान रखना बेटा। जो है समेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू समेशन ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बताओ ठीक है या नहीं है बेटा? उज्ज्वल, ये है। अब रीजन क्यों है, क्यों है ये बताओ, इसका रीजन क्या है? ये बताओ कि ड्यूरिंग कोलिजन बॉडीज एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स या फिर इंपल्स वो अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। ये बताओ ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन इक्वल एंड अपोजिट अब उसको तुम फोर्स कह लो या इंपल्स कह लो, ये एक्ट करेगा, बता मी का, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो है।
ड्यूरिंग कोलिजन इक्वल एंड अपोजिट दोनों पे क्या होगा बता, जो है इंपल्स लगेगा या फोर्स लगेगा। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि एफ नेट जीरो होगा या जे नेट जीरो होगा। और ये बताओ दोनों ही केसेस में मोमेंटम क्या रहता है, जरा बताओ कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है बताओ। अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो हो या नेट इंपल्स जीरो हो बेटा जो है, तो मोमेंटम क्या रहता है जो है, कंजर्व रहता है। अच्छा एक चीज और है इसमें, उसके बाद फिर हम मेन उस पाएंगे मुद्दे की बात पे। उज्ज्वली नोट कर लिया, पहले बता, पहले बताइए नोट कर लिया बेटा। तो एज पर आवर कमिटमेंट कल क्लास नहीं है। अब सुनो, इन एनी कोलिजन मैंने तुमसे कहा ना मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगा, चलो इसके ऊपर वेक्टर भी लगा देते हैं, या मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं ना, कभी कभी कोलिजन को हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं बेटा जी, मतलब इस रीजन की वजह से, समझ गए ना। कोलिजन इज ऑल्सो कॉल्ड, कोलिजन इज ऑल्सो कॉल्ड also known as redistribution of momentum. मतलब तुम ऐसे समझो ना कि सपोज करो गोपी के पास 100 का मोमेंटम है और उज्ज्वल के पास 40 का मोमेंटम है, और दोनों फरीदाबाद में मिलने वाले बेटा जो है चौराहे पे, नहीं फूल लेकर के जो है, तो दोनों के पास मोमेंटम कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक, अब मिलने के बाद वो इस 140 को आपस में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बस हो गया। कि जैसे उज्ज्वल ने कहा चल यार मैं जो है 20 रख लेता हूँ, तो इसका मतलब 120 का मोमेंटम कौन रख लेगा बेटा जो है, गोपी रख लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मिलने से पहले उज्ज्वल के पास 100 का मोमेंटम था और गोपी के पास 40 का था, तो इसका मतलब दोनों के पास मिला के 140 का था। मिलने के बाद उज्ज्वल ने 20 रख लिया, तो इसका मतलब 120 फिर किसके पास हो गया, गोपी के पास हो गया। तो इन्होंने टोटल मोमेंटम को क्या कर लिया बेटा जो है बताओ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, हो गया। उज्ज्वल समझ में आया कि कोलिजन को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो टोटल मोमेंटम है उसको हम आपस में क्या कर लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं मेन उसमें, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, सबसे पहली बात बताओ कि हेड ऑन है तो तुम्हें लग रहा है इसका मतलब 1D होना चाहिए, बताओ गोपी। अगर वो हेड ऑन है तो तेरे को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ 1D होना चाहिए बेटा जो है। और अगर 1D होना चाहिए तो इसका मतलब वेक्टर लिबर्टी ले सकते हैं, क्यों नहीं होता, वेक्टर लिबर्टी ले सकते हैं। और वेक्टर लिबर्टी में हम लोग क्या करेंगे बता जो है,
जो भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और वेक्टर क्वांटिटी यहां पे कौन सी आएंगी बता, पी और वी आएंगी, इसको हम पी और वी लिख सकते हैं, क्यों, लेकिन विद साइन। गोपी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन है तो 1D हो गया, इसका मतलब वेक्टर लिबर्टी लेंगे, तो इसका मतलब जो भी वेक्टर्स हैं उनको हम विद साइन यूज कर लेंगे, कहते ये हो गया। अब दूसरी बात, इसमें एक तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये दोनों कंजर्व रहेंगे ना, बता। ये तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम दोनों कंजर्व रहेंगे, इसका मतलब हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, बता। मेका बता, अगर मुझे मोमेंटम ऑफ सिस्टम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को कांस्टेंट करना है तो इसका मतलब दो इक्वेशंस मिलेंगे, इसका मतलब दो अननोन्स भी होने चाहिए, और वो जो दो अननोन्स होंगे वो दोनों बॉडीज की वेलोसिटी होंगी आफ्टर कोलिजन, वो होंगी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। उज्ज्वल समझ में आ रहा है बेटा, ये बता। कि हम दो कंजर्वेशन इक्वेशंस अप्लाई करेंगे, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, तो दो इक्वेशंस होंगी, इसका मतलब दो अननोन्स होंगे, और वो क्या होंगी, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, और उनको हम एक काम करेंगे, ये बोल देंगे बेटा जो है v1 और v2, ये बोल देंगे। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना ना, जब हम कोई इक्वेशंस बनाते हैं उज्ज्वल, तो स्टार्टिंग में हम सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेते हैं, बाद में वैल्यूज के बाद जो माइनस आ जाता है तो उसको फिर उल्टा कर देते हैं। गोपी समझ में आ रहा है बेटा, जो है जब हमें इक्वेशंस बनानी होती हैं, ठीक है, तो हम सब कुछ प्लस डायरेक्शन में ले लेते हैं, लास्ट में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर जो माइनस आ गया तो उसको उल्टा कर देंगे, बस हो गया जो है। तो अब मैं इक्वेशंस बना रहा हूँ, वो देख ले क्या है। ये मान ले 1 है, ये 2 है, ये इधर को जा रहा है v1 से, और ये इधर को जा रहा है v2 से, ये बिफोर कोलिजन है, और ये 1 है, ये 2 है, ये इधर को चला गया v1 से, और ये इधर को चला गया v2 है, ये आफ्टर कोलिजन है, समझ में आ रहा है। शुरू में देखो मैंने सारे के सारे प्लस डायरेक्शन में ले लिए हैं, गोपी v1 v2 v1 v2 सब मैंने प्लस डायरेक्शन में ले लिए, इक्वेशन जब बनाते हैं तो सब प्लस में ले लिए हमने, बाद में जो माइनस आएंगे तो देख लेंगे उसमें जो है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे बाय द वे इस वाली फिगर में तुम्हें लग रहा है कि v2 को v1 से ज्यादा होना चाहिए, बता। तभी तो कोलिजन होगा, कोलिजन तभी होगा कि नहीं होगा बता जो है। और इस वाली फिगर में v1 को v2 से बड़ा होना चाहिए, बता, नहीं तो दोबारा नहीं टकरा जाएंगे, बता जो है, क्यों दोबारा टकरा जाएंगे कि नहीं टकरा जाएंगे, बता जो है। अब बस मोमेंटम कंजर्व कर देना, पहला मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, समेशन पी इनिशियल इक्वल टू समेशन पी फाइनल, बल्कि इनिशियल फाइनल वर्ड इसमें अच्छा नहीं लग रहा यार मेरे को ना, क्यों गोपी
तेरे को लग रहा है अच्छा? बता, मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा बेटा, मुझे इसमें पता। हाँ समझ गया, तो मेरी बात दिल की। समेशन पी बिफोर कोलिजन, समेशन पी आफ्टर कोलिजन, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है बेटा जो है। तो इक्वेशन ये बनी M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। कोई डाउट उज्जवल? बता बेटा जो है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं समेशन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू समेशन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इक्वेशन क्या बनेगी देख, हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर। इक्वल टू हाफ M1V1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 डैश का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बनी। अब ये बताओ, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, हम V1 डैश और V2 डैश फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? V1 डैश और V2 डैश फाइंड कर सकते हैं ना बेटा जो है? वी कैन फाइंड V1 डैश एंड V2 डैश। हाँ मतलब दो इक्वेशन है, दो अननोन है। लेकिन एक बात बता दूं, ये थोड़ा मुश्किल होगा बेटा, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि ये ना स्क्वायर में है बेटा जो है। तो आगे चल के मैं इसकी थोड़ी सिंपल मेथड भी बताऊंगा तुम्हें उज्जवल। मैंने कह तो दिया कि वी कैन फाइंड V1 डैश एंड V2 डैश, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना, क्योंकि वो स्क्वायर में आ रहा है ना, दूसरी इक्वेशन स्क्वायर में आ रही है बेटा जो है। गोपी समझ में आ रहा है? हाँ। तो अभी मत करना, अभी फाइंड मत करना, बाद में इसकी सिंपल मेथड भी बताऊंगा। अभी तो रिजल्ट नोट कर लो, रिजल्ट क्या है बेटा। रिजल्ट को लेकिन बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें याद करना है बेटा। तुम्हारा ना ऐसे आते, देखो V1 डैश कैसे होगा, ध्यान से देखना। M1 माइनस M2 अपॉन M टोटल कर देना, और फिर V1 ही लिख देना, प्लस ट्वाइस M2 अपॉन M टोटल कर देना इंटू V2, ये बनता है V1 डैश। अब ये बताओ, इसी को अगर मैं कंपेयर करूं तो V2 डैश क्या बनना चाहिए, जरा बताओ। बताओ इसको अगर मैं कंपेयर करता हुआ चलूं तो क्या बनेगा बेटा जो है? M2 माइनस M1 अपॉन M टोटल इंटू V2 प्लस ट्वाइस M1 अपॉन M टोटल, हाँ इंटू V1, ये बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कब लगानी है ये भी ध्यान रखना, हेड ऑन होना चाहिए हर जगह, नहीं बेटा ऐसा नहीं, हेड ऑन होना चाहिए प्लस इलास्टिक होना चाहिए। याद करने का तरीका बता दे रहा हूँ, सुन। जैसे मुझे कोलिजन के बाद गोपी की वेलोसिटी निकालनी है, मान ले, तो क्या होगा सुन। गोपी का मास माइनस उज्जवल का मास अपॉन टोटल मास इंटू गोपी की वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स उज्जवल का मास
अपॉन टोटल मास इनटू यूजुअल की वेलोसिटी। बता याद आया कि नहीं आया? गोपी समझ मारा बेटा कैसे निकालना? सुन, 1 2 याद मत कर, तू 1 2 याद मत कर, सुन मेरे को उज्ज्वल की वेलोसिटी निकालनी है मैंने, तो क्या होगा देख, उज्ज्वल का मास माइनस गोपी का मास अपॉन टोटल मास इनटू उज्ज्वल की वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स दूसरे का मास मतलब गोपी का मास अपॉन टोटल मास इनटू गोपी की वेलोसिटी। उज्ज्वल बता इधर को समझ में आया नहीं आया बता, याद करने का तरीका बता बेटा जो है। एक बार और फाइनल सुन दे, ए और बी है मान ले, ए और बी, और मुझे बी की वेलोसिटी निकालनी है, तो बी का मास माइनस ए का मास अपॉन टोटल मास इनटू बी की वेलोसिटी प्लस 2 टाइम्स ए का मास अपॉन टोटल मास इनटू ए की वेलोसिटी, बस ऐसे है, तो ये याद रख लेना। अब इन तीन इक्वेशंस के स्पेशल केसेस होते हैं, दो इक्वेशंस के तीन स्पेशल केस होते हैं बेटा जो है, 3 स्पेशल केसेस। सबसे पहला, अगर इक्वल मास हो, तो देखना बेटा v1 v2 के इक्वल हो रहा है, और v2 ये v1 के इक्वल आ रहा होगा, जरा चेक करो m1 और m2 को इक्वल रख के देखो, देखो भी अगर m1 और m2 इक्वल रख, तो देख v1 v2 के इक्वल आ रहा होगा और v2 v1 के इक्वल आ रहा होगा, आ गया ना? ठीक, इसका मतलब उन्होंने वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लिए। क्यों? वेलोसिटीज इंटरचेंज्ड, स्पीड्स नहीं है, ध्यान रखना बेटा जो है, नॉट स्पीड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब स्पीड तो ऑटोमेटिकली इंटरचेंज होंगी, लेकिन मेन वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है। जैसे क्या है देख, ये भी एम है, ये मान ले इधर को 2 से आ रहा था और ये इधर को 3 से आ रहा था, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा जरा बता, ये इधर को 2 से चला जाएगा और ये इधर को 3 से चला जाएगा। अब समझ में आया गोपी भाई? अगर मासेस इक्वल हों तो वो वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेंगे, ये कह लें, लेकिन अगेन किस केस में जरा बता दो, ये तो है ही है, साथ में और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जरा बता दो, हाँ प्लस हेड ऑन भी होना चाहिए, प्लस इलास्टिक भी होना चाहिए, उज्ज्वल बता बेटा तेरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इक्वल मासेस हो, हेड ऑन कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन हो, तो कोलिजन के बाद वो आपस में क्या इंटरचेंज कर लेते हैं, वेलोसिटी इंटरचेंज कर लेते हैं, स्पीड तो इंटरचेंज होंगी, ऑब्वियस ही बात है, ये कह ले। अब दूसरा चलते हैं, इसका नाम मैंने रखा ना रैट प्लस एलिफेंट, ये चूहे और हाथी की कहानी है बेटा, जस्ट समझाने के लिए थोड़ा वो बना रहा हूं, पता लगा चूहा बेचारा आराम कर रहा है हा? और हाथी आ रहा है, ये समझाने के लिए बनाई है जस्ट फिगर, हाथी इधर को v2 से आ रहा है बेटा, ये रेस्ट पे,
नहीं वो तो 1D है ना। हाँ चेंज हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, डायरेक्शन तो चेंज हो गई है। देख इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो गई, मैंने तेरे से कहा क्या वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई है, तो वेलोसिटी में तो दोनों चीज आ जाती है ना बेटा, जो है उज्जवल, वेलोसिटी में तो दोनों चीज आ गई ना बेटा जो है। ठीक है अब सुन, चूहा आराम कर रहा था, हाथी आया बेटा जो है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन, तेरे को कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हाथी की वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बता ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो है हाथी की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, बता जो है हाथी की वेलोसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा लेकिन डबल स्पीड से, डबल वेलोसिटी से वो होगा, भाई हाथी अगर चूहे को लात मारेगा, ये बता हाथी अगर चूहे को लात मारेगा तो डबल वेलोसिटी से जाएगा कि नहीं जाएगा? गोपी फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा हाथी अगर चूहे का लात? हाँ नहीं वही तो मैं कर रहा हूँ तेरे को, वही हाथी और चूहे का वही तो कर रहा हूँ, सुन ले बेटा जो है, हाथी और चूहे का वही कर रहा हूँ जो है, ठीक है ये कह रहा हूँ मैं जो है, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा हाथी और चूहे का, इसीलिए एग्जाम्पल दिया ना। अब ये तू कैसे करेगा बताता हूँ सुन, उन इक्वेशंस में तो एक काम कर दे कि एक तो V1 को 0 पुट कर दे, और M1 को भी अप्रोक्सीमेटली 0 रख दे, तो वो रिजल्ट आ जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, जरा चेक करके देख। इसमें V1 को 0 रख दे और M1 को 0 रख दे, तो जरा देख आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटा। इधर देख V1 को 0 रख और M1 को 0 रख, तो जरा देखना V2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली V2 ही आ रही होगी, और जो V1 की वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली 2V2 आ रही होगी। देख और ये वाला केस कौन सा लिखा है मैंने, रेट प्लस एलिफेंट, क्यों? गोपी बता बेटा, क्लियर हो गया ना? अब तीसरा केस सुन, कलर चेंज कर देता हूं ताकि तेरे को कंफ्यूजन ना हो। अब एलिफेंट प्लस रेट हुआ, अब चूहे ने कहा अब मेरी बारी है, अब तू आराम कर। अब हाथी बैठा हुआ है और इधर चूहा दौड़ता हुआ आया, अब ये बता कि क्या हाथी को कुछ वेलोसिटी मिलेगी? ये बता अगर चूहा दौड़ता हुआ है, ये बता कुछ लगेगी, मिलेगी बता बेटा जो है वेलोसिटी? क्या कर लेगा चूहा, क्या बिगाड़ लेगा हाथी का? तो इसका मतलब V1 ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा, और तेरे को अपने आप लग रहा होगा कि चूहा उसी वेलोसिटी से वापस हो जाएगा, अपना जैसा मुंह लेके नहीं कहते बेटा जो है गोपी, ये बता अपने जैसा मुंह लेके कहते कि नहीं कहते बता बेटा जो है, कि तू पता लगा तेरे बगल में कोई डॉन रहता है जो है, ठीक है, और तू आ गया कि आज मैं देख लेता हूँ इसको कौन है जो है, ठीक है घर में तू कह के गया अरे मैं आज देख के आता हूँ जो है, तो तू क्या करेगा बता जो है, वैसे ही वापिस लौटेगा कि नहीं लौटेगा बता? तेरे बगल में अगर कोई डॉन रहता हो, डॉन माफिया रहता हो जो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, V2 ये अप्रोक्सीमेटली -V2 हो जाएगा, उज्जवल बता तेरे को ये समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं इसको कहानी को आगे से चेंज कर दूंगा, डॉन और उसकी कहानी बना दूंगा इसको, एलिफेंट और रेड की नहीं, डॉन और उसकी कहानी बनाऊंगा बेटा जो है, ये समझ में आया? अब तू इसको बता, इसको कैसे चेक करता बता जो है, देख ले अच्छी तरीके से। तू इसमें क्या करना, इन इक्वेशंस में,
इन इक्वेशंस में बी वन को जीरो रख देना और एम टू को अप्रोक्सीमेटली जीरो करके देख, और जरा देखना बेटा यहां पे जो वी वन डैश होगा ये तो अप्रोक्सीमेटली जीरो आ रहा होगा और वी टू डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली माइनस वी टू आ रही है। जरा देखना, जरा आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, चेक कर। चेक कर जरा इन इक्वेशन, आ गई, बस हो गया। बाकी चलो फिर नेक्स्ट टाइम में करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।